बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। तुम्हारे विधानसभा जितने बड़े घर से डरने वाला नहीं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे सामना कर, बाहर आ। उस सड़क छाप गुंडे को मेरे हवाले कर। अब ये कौन है? कॉमेडियंस की कमी थी जो ये आ गया। क्यों बे चिरकुट, इस अबला को किडनैप किया? रुक, अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये जोकर कौन है? लड़की का बाप है और वो दूसरा इसका मंगेतर है। इनके सामने से ही तो इसे उठा लाया था। मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया इसने। इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट दैट फेलो, ब्रिंग दैट क्यूट गर्ल टू मी। थोड़ी देर चुप रहेंगे सर? सर, कंप्लेंट है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किडनैप किया है। क्यों मैडम, क्या ये सच है? अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पति को यहीं जिंदा काट दूंगा। ये झूठ है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुसाया, वो बेबी डरी हुई है। मुझसे पंगा मत ले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है। यहाँ का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ के गवर्नर के साथ बचपन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था। अरे रे, देखो इसके मासूम मुखड़े को, इसे किडनैप करने का सोचा भी कैसे? गुंडागर्दी करता है, मैं हूँ ना। आ, 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 आ। हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, इस टिंगो को उठाकर अंदर ले आओ। बड़ा सीएम से लेकर पीएम तक का रिश्ता बता रहा था, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। बाथरूम? बाथरूम करके आया हूँ, नहा के भी आया हूँ। I'm sorry, अगर उसे चुप नहीं कराता तो हमारा मिशन यहीं खत्म हो जाता। मैं अभी डॉक्टर विश्रांत को फोन करके सच्चाई बता देता। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? देखो, वो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे तुम्हारी फिक्र है। मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी फिक्र होती। रुको, मेरी बात सुनने के बाद फोन कर लेना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो उसे फोन कर लो। अब मैं क्या कहूँ? वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम पास हो इतना ही काफी है। हेलो संध्या। वीरा, तुमने फोन नहीं किया? मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। डोंट वरी, आलिया को लाए बिना नहीं लौटूंगा, और लौटने के बाद बिना वक्त गवाए तुमसे शादी कर लूंगा। ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए, कहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं। बिल्कुल नहीं। ओके। आई, उसका नाम मुन्ना है, आलिया मैडम के बचपन का दोस्त है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, अपनी माँ की कसम, सच कह रहा हूँ। ए, चलो निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। चलो पापा से मिलते हैं। कितने दिनों बाद आए हैं? पापा कहाँ हैं? पीछे वाले बाग में हैं। साले साहब, आज कैसे आना हुआ? जरा पिच्चेश्वर को बुलाना। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। कैसे इंसान हो, एक शर्त के लिए कोई घर छोड़ देता है? अपने हर वचन को निभाने जाओगे तो दुनिया नोच डालेगी। जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूं, कुछ कहेंगे नहीं? सब लोग जाओ। तेरा नाम दिल्लेश्वर इसलिए रखा कि दिल्ली पर राज करे, इसलिए नहीं कि पावर खोकर घर पर बैठ जाए। ठीक है, मिनिस्टर की पोस्ट गई, पब्लिक की सिंपैथी नहीं जानी चाहिए। आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, आपकी इज्जत नहीं जाने दूंगा। सर सर सर, ओए मिनिस्टर, यहाँ इस तरफ देखिए। आपके लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया, और तो और
मैं उसे छुड़ाने आया तो मुझे भी बाथरूम में बंद कर दिया। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर निकालें। आपका फैन हूँ सर। ओए, जाके देखो उस लड़के ने किसी को किडनैप कर लिया क्या। ए, पिक्चर सर तुम्हें किडनैप करके लाया है ना। तुम कंफर्म हो इसी को बुला रहे? चल। गो, साहब बुला रहे, गो। अब क्या होगा वेंकट भैया, अब कहाँ चले गए? वो लड़की नहीं है। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। आऊ कोने में। ये रही वो लड़की। कौन लेके आया इसे? जंगम चाचा। क्यों लेके आया? जंगम चाचा की शादी होने वाली थी, ये वहाँ पहुँच गई और उनकी बुराई करने लगी, शादी कैंसिल करवा दी। फिर क्या, मामा को गुस्सा आ गया, सीधा इसे उठाकर यहाँ ले आए। जा जा। घर के अंदर या बाहर? अच्छा ठीक है, अंदर जाती हूँ। बाथरूम वाले को लेके आ। सर थैंक यू सर, चलता हूँ सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है सर, आपके साथ एक फोटो लूँ सर, सफेद दाढ़ी फोटो ले। सर दिस इज बेटर सर, खींच। चेहरे पे स्माइल लाइए ना सर। ऐसी लड़की से क्या वो शादी करता? जाओ। मुझे मारा क्यों? ओए इधर आ। ये पीछे क्या देख रहा है बे? जाओ। इसी तरफ से ना? हाँ। बैक टू बाथरूम। नमस्ते भाई। आप कब आए भैया? मुझे ये बताओ ये मुन्नी के बचपन का दोस्त कौन है? अरे हाँ, वो कोंडर प्रसाद का बेटा मुन्ना, उसी की वजह से पिचेश्वर को गांव छोड़कर चला गया था। हाँ ये सच है, मैं प्रसाद का खेत संभालता हूँ, लेकिन ना ही वो अपना हिस्सा लेने आए और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आखिर मुझे इस गांव में रहना है। प्रसाद ने मुझे फोन किया था और अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता भैया। यहाँ कोंडल राव रहता है क्या? वो अब यहाँ नहीं रहता, वो गांव छोड़ के चला गया। बैंक जाके उसका एड्रेस निकलवाओ। बैंक के पास तो उसका पुराना एड्रेस है, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएगा बच के, ढूंढ निकालो उसे। एक एक गाँव छान मारो, हमें पब्लिक की संपत्ति हासिल करनी होगी, साथ में उसे ढूंढ निकालो। ए, इस फोटो को छूने की इजाजत किसी को नहीं, पूरे घर में कोई इस लायक ही नहीं है कि इसे छू सके। सॉरी बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी। hey, बारा, वहां जाने की हिम्मत कैसे की तूने? क्यों गई उस कमरे में, जवाब क्यों नहीं देती? उसे मैंने कमरा साफ करने भेजा था। ए, क्या कहा दादा ने, जाके अपना काम कर। कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखेगा। छोटू लाल। बोलो भैया। इन लोगों की बीमारी तो मैं समझ गया, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, आपको शौचालय में कैसे रख सकते हैं, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। क्या तुम मुझे जानते हो? एक नंबर के गधे हो। जितनी औकात है उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा लोग सोचते हैं, आपको यहाँ से निकालने के लिए दिमाग में एक उपाय सूझ रहा है, सुना दो गुरुजी। मिलियन डॉलर प्लान है गुरुजी, आज शाम को सब लोग बाहर जाएंगे, ठीक है?
हाँ। कपड़े पहन के रेडी रहना, बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा, दो बार दरवाजा खटखटाऊंगा, जापान की बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए रफू चक्कर हो जाना। और उस बेबी का क्या? अबे तेरी हेल्प कर रहा हूँ ना, खुश रहे। वो कन्या घर के मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, खुश ना गुरु जी। ओके ओके। क्या अभी ओके ओके, तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इजाजत दीजिए गुरु जी। Waited for the showdown. The fastest men in the world. Usain Bolt, who'll take the gold? Who'll take the title? The world 100-meter final. मर गया। रिवर्स गियर। बेड़ा गर्क। सुन बे सफेद कोट, अगर कोई गलत बीमारी बताकर फर्जी बिल बनाने की कोशिश भी की तो मैं खुद उठकर तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। दादाजी एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ भाई, धारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। मारा नाकाम ऑपरेशन में मरा मुर्दा की कसम, तारी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। बाबा बंगाल की दवाइयाँ देना बंद कर और मारी दवाइयाँ खाना शुरू कर दे आज से ही। इन सारा लोग लुगाया के सामने मैं वादा करता हूँ, तारी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और जो दवा नहीं खाए तो 3 दिन में ऊपर पहुँच जाएगा। इधर ना, आज से नर्स थारा सब कुछ देखेगी। ठीक से लगाना, हाथ क्यों कांप रहे हैं? इंजेक्शन लगाना आता है ना? ए, तुम भी एक नर्स हो ना? इधर आओ, पकड़ो इसे, इंजेक्शन दे उसे। हो गया क्या? पता ही नहीं चला। आज से तू ही इनकी देखभाल करेगी, समझ गई? बड़े भैया मामला सेट है। hey, उस बाथरूम वाले बंदर को बुलाओ। दादाजी डॉक्टर ने क्या बोला था? गुस्सा करेंगे तो 3 महीने में पैकअप। अच्छा करेक्ट है। hey, उस बाथरूम वाले आदमी को बुलाओ। मेरी याद आई किसी को। हैया, 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 हैया। सर दैट बॉय इज चीटिंग सर। आई वॉज रनिंग सर, यू आर वॉकिंग सर। बैड टाइमिंग सर। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। अबे रुक, दादाजी। इसको छोड़ दो, मेहमान को खूब खिलाओ पिलाओ। कैसी खातिरदारी करने वाले हैं? उसके कान में क्या फुसफुस आया? कुछ खास नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। तुम उसके काम आ सकते हो। किडनीज फेल है? और क्या, मेरी किडनीज चाहिए? या तो बॉडी के बाकी पार्ट्स क्यों छोड़ दिए, वो भी तो निकाल लो, फ्री है। आइडिया अच्छा है, बुढ़िया की आंखें खराब है और इनके एक बेटे का लिवर भी खराब है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भाई। अरे हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पूछ के आता हूँ। पूछ लो, कुछ मत छोड़ना। सारे खानदान को मेरे ही बॉडी पार्ट्स डोनेट करवाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी।